हेलो फ्रेंड्स, सबका दिन मंगलमय हो। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल तड़के वाली दाल। तो मैंने 100 ग्राम तुअर दाल ली हुई है, आधा कटोरी था। मैंने 1-1.5 घंटा भिगो दिया था, तो फूल करके ये एक से भी ज़्यादा हो गई है। तो इसको मैं कुकर में डालूँगी। और दाल आप जब भी बनाए, भिगो के बनाए, तो उससे दाल अच्छी बनती है। अब इसमें मैं 1-1.5 कटोरी पानी डालूंगी। बाकी पानी बाद में हम डालेंगे, जब दाल बन जाएगी तब। ये 100 ग्राम लगभग दाल थी। इसको आधा टीस्पून हल्दी और नमक अपने हिसाब से लगभग 1 टीस्पून, और इसमें थोड़ा डालेंगे हींग। अगर आपको स्ट्रॉन्ग तड़का नहीं देना हो, तो इसी दाल में आप टमाटर छोटा छोटा चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन मैं टमाटर तड़के में डालूँगी। तो मैं इसको अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए रख देती हूँ। दाल भिगो के बनाने पे लगभग 5 मिनट में सीटी आ गई थी। 5 मिनट के बाद मैंने 4 मिनट लगभग और पकाया है, तो दाल हमारी बढ़िया से गल गई है। अब इसको हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे। अब एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, तड़का पैन भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। तो उसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून घी। अगर आप तेल डालते हैं तो इसको थोड़ी देर गर्म होने देंगे, काफ़ी कच्चापन निकल जाए, लेकिन घी में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल देंगे हम जीरा। अगर आपने हींग पहले ना डाली हो तो हींग आप डाल दीजिए। आंच अब कम कर देंगे, मीडियम से कम रखेंगे, क्योंकि मैं डालने जा रही हूँ 1 मिर्ची। आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी हरी मिर्च भी डाली है। अब मैं चॉप्ड प्याज डाल दूंगी। इसको हमें काफ़ी ब्राउन होने तक भूनना है। जब ये हाफ़ फ्राई हो जाए, तब इसमें चॉप्ड लहसुन भी डाल देंगे। छोटे छोटे दाने हैं, दोनों साथ साथ हो जाएंगे। प्याज अब हो गया है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सी में 1-2 सेकेंड के लिए चला लिया था। बहुत बारीक नहीं पीसना है, तो उसको भी हम डाल करके गलने तक इसको पका लेंगे। और हम डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला। तो इसको भी बढ़िया से, जब तक कि टमाटर गल ना जाए तो हमें इसे पकाना है। अगर टमाटर गलने में दिक्कत हो रही हो तो हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। और अभी हमने डाला है 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। उससे जैसे ढाबा वाले हैं तो कलर के लिए कलर डालते हैं या कश्मीरी मिर्च डालते हैं, तो मैंने कश्मीरी मिर्च डाला है। और इसमें धनिया पत्ती खूब ज़्यादा डालनी है, लेकिन मेरे पास ज़्यादा थी नहीं, फ्रोजन थोड़ी थी, तो थोड़ी मैंने डाल दिया है। अभी मसाला थोड़ा भुना नहीं है, तो थोड़ा पानी मैंने और ऐड कर दिया है। तो जब ये हमारा तड़का एकदम प्याज एकदम गल जाएगा, तब हम इसे अपने गरम दाल पे तड़का दे करके सर्व करेंगे। अगर आप सब्जी नहीं बना पाते हैं तो दाल चावल इसके साथ आराम से खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिए, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करिएगा। थैंक यू।